तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए ब्लॉग में। रोकी का मन देखो कैसे कर रहा है, मचल रहा है मन। उधर जो वो पाइप के अंदर से पानी गिर रहा है ना, नहाएगा रोकी? एक तरफ रोकी और एक तरफ हमारा गाय का बछड़ा। ये हमारा टिंडा है, टिंडा। मम्मी कह रहे हैं टिंडा है ये। ये हमारा टिंडा है, छोटा सा टिंडा है, ये हमारा टिंडा है ना। नहाएगा? पानी 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 पी, पानी पी। देखो दोस्तों कैसे कर रहा है रोकी, इसको पानी पिलाते हैं अभी जल्दी। पापा देखो दोस्तों पानी का छिड़काव कर रहे हैं, अभी पाइप लेता हूँ पापा। दोस्तों पापा से पाइप ले लिया है पानी के लिए, और देखो कैसे कर रहा है। रुक 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 रुक, इसको साफ करना पड़ेगा। ये खुद ही मिट्टी घेर देता है दोस्तों इसके अंदर, सही कितना। इसको साफ रख लो। और ये देखो इसके घर, तीन घर चार घर देखो, अब खुश है ये पूरा। चलो पी ले भाई पानी। ओहो हो, इनका हाल देखो, बेल का और उस पौधे का क्या हाल हो गया है। तो इनको ही पानी दे देते हैं अभी। अंगूर अभी खट्टे हैं, देख के बताओ आप हैं तैयार हैं? हैं सही में सही। दिखाओ। उतने नहीं तैयार हुए हैं, बीज है इनके अंदर। अब एक ये पौधा है गुलाब वाला, इसमें देना पानी और फिर खेत चलें। खेत पापा जी तो जाते आगे। फिर पापा पानी दे रहे हैं पौधों को, मैंने उधर पौधों को दे दिया पानी। मैं तो जा रहा हूँ अभी खेत, और जो चावल की खेती है उसके लिए काम स्टार्ट हो गया है, चावल लगाने स्टार्ट हो गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके क्या कैसे चल रहा है। गाइस बादल देख, मैंने तो पढ़ की बहुत बोल रही थी। गाइस बादल देखो कैसे हो रखे हैं, बारिश ना है तो आंधी तो आने के ज्यादा आसार हैं ही। बाइक निकाल ली है दोस्तों, पापा ने सीट की कवर भी नहीं लगा दी है ये देखो, और अभी चलते हैं सीधा खेत। बारिश भी आना स्टार्ट होगी, अभी पापा ने बाइक निकाला और वैसे ही बारिश आना स्टार्ट हो गई है। ये देखो बूंदे जो गिर रही है, पता नहीं कब तक आएगी ये, तो रुकना पड़ेगा थोड़ा। बाइक भी अंदर कर रहे हैं पापा, क्योंकि बारिश में जाने का कोई फायदा नहीं है। चीज तो पक्की है कि जब भी मैं तैयारी करता हूँ ना खेत जाने की, उस दिन तो बारिश पक्का जरूर आती आती है। पिछली बार मैं खेत गया, पापा ने बताया किसी ने आग लगा दी पेड़ों को, तो मैं उस दिन वीडियो बनाने चला गया, और उस दिन इतना ज्यादा तगड़ा तूफान और बारिश आई, बुरे हाल हो गए थे उस दिन, तो पूरा मिट्टी में हो गया था मैं। आज जब जाने का मन बनाया तो देख सकते हो फिर से बारिश आ गई। अब थोड़ी कम हुई है बारिश, जैसे ही रुक जाएगी बिल्कुल फिर चला जाऊंगा, क्योंकि एक दिक्कत ये भी है ना कि जो बारिश की वजह से फिसलन ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए मैं रिस्क क्यों ही लूं, क्योंकि फ्रैक्चर तो पहले ही हो गया था, अब कहीं बाइक फिसल रहा है या मेरा पैर फिसल रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा वेट ही कर लेते हैं। मौसम भी साफ हो गया है और थोड़ी बहुत धूप है, तो चलो अभी जल्दी चलते हैं। तो गाइस आ गया हूँ अपने खेत, पीछे अपना खेत है वहाँ पे, तो अभी चलेंगे। और यहाँ का व्यू देखो आप, कमाल का ही व्यू आ रहा है ना, देखो उधर सूरज यहाँ पे पानी के अंदर पड़ रहा है, और एक अलग ही चमक आ रही है पानी के अंदर से, इंदिरा गांधी कैनाल है ये यहाँ पे। और चलो यार अभी चलते हैं जल्दी से। तो ये देखो गाइस इधर पानी लगा रखा है 12 कनाल के अंदर, तो इस बार अलग तरीके से बिजाई हुई है चावलों की, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो वहाँ पे वो लोग लगा रहे हैं ना अपने हाथों से, तो इस बार हमने मशीन का यूज किया है। पहले मशीन वाली ये टेक्निक थी वो कारगर नहीं होती थी, पर अब बढ़िया कारगर चीज है, तो इस बार हमने मशीन से ही काम कर लिया। वहां तक है हमारा खेत, वो आपको दिख रहा है कमरा उस तक। और एक बात माननी पड़ेगी, यहाँ पे वाकई में ना इतना सुकून है, जैसे गांव में भी है सुकून, पर यहाँ पे एक अलग ही फीलिंग आती है, बिल्कुल शांत। बस मन करता है यहाँ पे बैठ जाओ और बस कुछ मत करो। आप भी कभी खेत जाके देखना अपने, और महसूस करना उस चीज को कि कैसा फील होता है। तो मुझे लगता है अभी चलना चाहिए अपने को, टाइम भी हो गया ठीक ठाक, और मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गया था बढ़िया रेस्ट करने, तो चलो अभी चलते हैं सीधा घर। तो दोस्तों मम्मी कह रहे हैं कि मम्मी ने आम जो है वो रेडी करके रखा है, और दूध भी वो खाने का कह रहे हैं मेरे को, खाते हैं अभी। आम बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, तो ये देखो रखा हुआ है, इसके बाद पिएंगे दूध। गाइस अभी दूध पी लिया हूँ, और मम्मी कह रहे हैं कि कुत्तर बुटा दे मेरे को, बताओ बुटा देते हैं अभी। क्या कह रहे हो आप? कोई दूध नहीं पिलाता है। मम्मी कह रहे हैं फ्री के अंदर दूध कोई नहीं पिलाता है, कुत्तर तो बोट नहीं पड़ी, तो क्या ही कर सकते हैं, अभी जल्दी से कुत्तर बोट देते हैं पशुओं के लिए। टाइम भी काफी हो गया, फिर वीडियो भी तो एडिट करनी है। दोस्तों घर वाले कह रहे हैं कि अगर कुत्तर नहीं बोटी तो तेरे पे हमला होगा इसका। ये चलेगी अब। चलो बोट दिए दोस्तों, कुत्तर दो बोट दिए, बस इतनी करिए इतनी तो ही सारी। तो
आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक, मिलूं आपसे अगले व्लॉग में, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।